हाँ जी किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मालवा एग्रो इंडस्ट्रीज मलोट पंजाब में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम आपको दिखाएंगे मालवा मल्टी क्रॉप बैक सेट टोकरी थ्रेशर, और दोस्तों इस थ्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। हमारे साथ है कंपनी के एमडी सर, जो हमें इस थ्रेशर के बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवजोत सिंह है। सर दोगे जानकारी, आपके आप कंपनी में कौन कौन से थ्रेशर बनते हैं सबसे पहले जी सर पूछना चाहूँगा। हम बनाते हैं पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर, साइड फीटर थ्रेशर, मल्टी क्रॉप बैक टोकरी थ्रेशर और स्टोर रीपर। ये जो है हमारा मल्टी क्रॉप बैक टोकरी थ्रेशर है। ठीक है सर। ये हमारा चार मॉडल में आता है। ठीक है सर। एक तो मॉडल है अपने पास 25 HP का, एक 35 HP का, एक 40 HP का और एक 50 HP। और सर जो आज हम किसान भाई को थ्रेशर लेकर आए हैं जी, कितने HP का थ्रेशर है सर? ये कितने HP चला सकता है? ये सर 50 HP का थ्रेशर है। ठीक है सर। जो 50 HP के ऊपर ट्रैक्टर हो उसके जैसे है। सर सबसे पहले तो मैं जिसमें पूछना चाहूँगा भी, इस थ्रेशर में कितने व्हील और कितने फैन दिए गए हैं? इस थ्रेशर में सर 3 व्हील दिए होते हैं। जैसे व्हील होते हैं मशीन को जितना हवा चल सके, इसलिए हमने पंखों के 1 व्हील और सेंटीगेट के 2 व्हील दिए। ठीक है सर जी। सर। और सर इसमें ये सिस्टम दिया गया है, इसके बारे में जानकारी दोगे सर? इसका क्या काम रहता है? इसका काम रहता है सर, जो भी कचरा वगैरह होता है साफ करने के लिए दोबारा जरूरत पड़ती है। पहले किसान को बोरी भरकर उसमें डालना पड़ता था, इसलिए मालवा की कंपनी लेकर आती है, वर्म लेकर आई है। इसको सीधा जाएगा अपने पास टोकरी में जाएगा, वापस छन के वापस आ जाएगा। ठीक है सर। सर ऊपर ये सिस्टम दिया गया है, उसका इसका क्या काम रहता है जी? इसका सर काम रहता है, एक तो जाली वगैरह जैसे निकालते हैं, रखने को थोड़ा औखा हो जाता है किसान को, आसानी से निकालने के लिए हमने ये सुविधा दी है। ऊपर किसान आसानी से खड़ सकता है, ऊपर टापे को ओपन करके उसमें जाली निकाल सकते हैं। सर इसके ऊपर टर्बो सिस्टम लगा हुआ है जी सर, इसका क्या काम रहता है जी? इसको दाना, जैसे अपन कह दिए किसी फसल में दाना आ जाने जगता लग जाता है पंखे में, अगर हमने ये सिस्टम दिया था, ये हमने 2 अलग अलग कर दिए पंखे, इसमें तो भूसा निकलेगा, इसमें अलग कर दिए, इसमें दाने साफ करके आएंगे सीधा सेंटीग्रेड में जाएगा, इसका टर्बो का ये निकलेगा। ठीक है सर जी। सर और सर उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा भी, इसमें कितने जाल मिलते हैं सर किसान भाई को? इसमें जाल सर हम देते हैं फसल के हिसाब से 2.5, 3, 4 और 5 का। ठीक है सर। ठीक है, वो फसल के अकॉर्डिंगली है। जैसे हमने 8.5 नंबर इसमें बीच में डाला, ये पूरी सेटिंग इस मशीन की सोयाबीन के लिए हुई। ठीक है सर जी। सर सर इसमें टायरों की बात करें तो कौन से टायर मिलने वाले हैं इसमें हमें? इसमें सर एशियन के टायर है, 916 के कंपनी के ब्रांडेड टायर है, इसमें कोई जल्दी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है सर जी। सर इस थ्रेशर का कैसे पता चलेगा किसान भाई को भी कि ये 50 HP का ये छोटा थ्रेशर है? ये है हमारी 50 HP की मशीन, इसका साइज है 48x36, 48 इंच इसकी लंबाई है और 36 का डाया है। ठीक है सर। इसके बारे में पता लगता है, अगर हम 40 HP में जाएंगे उसका बैलेंस हो गया, जैसे कम हो जाता है HP कम होगा उसका डाया कम हो जाएगा। ठीक है सर जी। सर इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो गरारी सिस्टम दिया होता है और थ्रेशर में, इस पे ये रूला लगा हुआ है। जैसे ये रूला है स्टार्टिंग हमने की थी, जैसे गरारी में माल फंसने की ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मालवा कंपनी ने सोचा कि इसमें अंदर टेक्नोलॉजी का बदलाव किया जाए और इसमें हमने रूला सिस्टम कर दिया। इसमें माल फंसने की कोई दिक्कत नहीं है, और माल जो बैक आता है कभी 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 थ्रेशर किसी थ्रेशर में दिक्कत आती है माल बैक होने की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, माल जाएगा वापस नहीं है। ठीक है सर। और सर इसमें ये दिए गए लीवर, इनका क्या काम रहता है? ये फीडर को सर कंट्रोल करते हैं, अगर इसको नीचे कर देंगे फीडर चल पड़ेगा, इसको पीछे करते हैं और फीडर बंद हो जाएगा, ये किसान अपने मुताबिक ही काम करता है इससे। ठीक है सर जी। सर और उसके बाद सर इसका क्या काम रहेगा सर? ये सर अगर थ्रेशर चौक हो जाता है तो कभी कभी किसानों को पहले दिक्कत आती है तो टापर पूरा खोलना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बारी का सिस्टम दिया और ऊपर एक टोकरी लगाई, अगर थ्रेशर चौक होता है उसमें एडजस्टमेंट दी हुई है सर। ठीक है सर। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इसमें हमें एक टोकरी यहाँ दिख रही है और मुझे एक टोकरी ऊपर दिख रही है, वही मैंने सर बताया आपको, ये टोकरी माल डालने के लिए। ठीक है सर। वो टोकरी अंदर सेंटीग्रेड तो साफ करने के लिए। ठीक है। अगर कोई माल है तो हम उधर से भी डाल सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है सर जी। सर और इसके बाद सर मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ पे ये सीढ़ी दी गई है, इसका क्या काम रहता है सर? किसान भाइयों को ऊपर चढ़ने में दिक्कत थी जब जाली वगैरह चेंज करते थे, इसलिए हमने सीढ़ी की व्यवस्था की, ऊपर चढ़ना, जाली वगैरह चेंज करनी वगैरह, टर्बो लगाना, टर्बो लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत है, इसके लिए हमने टर्बो लगाने के लिए हमने इसके लिए सीढ़ी की। और इस किसका क्या काम रहता है सर? अगर माल कोई छनने के लिए रह गया, अगर हमारे पास कोई फसल में टोटा है, जैसे फसल हम काटते हैं
उसमें कोई छोटे पीस रह जाते हैं, अगर कल छानने की जरूरत है तो इसमें डालो तो वो छान। ठीक है सर। जी सर। और सर ये सिस्टम दिया गया है बेल्ट एंड पुली का, क्या काम करता है? हाँ जी, स्पीड का है। ठीक है सर। जैसे पुली का किसी ट्रैक्टर के आरपीएम कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसकी सप्लाई ज़्यादा होती है, इसके लिए हम बेल्ट इधर कर देंगे, इसके चक्कर बढ़ जाएंगे सर, इधर कर देंगे तो कम हो जाएंगे। ठीक है सर। जी सर। उसके बाद सर यहाँ ये यहाँ पे फिल्टर दिया गया है, इसका क्या काम रहता है सर? इसका काम सर दाने वगैरह साफ हो, इसका ये काम होता है। जैसे दाने होते हैं, किसी कचरा आ जाता है, कोई थ्रेशरों में दिक्कत होती है, कचरा आ जाता है, तो इसके कचरे के निकालने का ये हमने समाधान किया है, इसको दाने के लिए। और सर ये एलिवेटर दिया गया, इसका इसके बारे में जान कर दोगे सर? एलिवेटर सर जैसे फसल निकालते हैं, कई किसानों को सीधा ट्राली में डालना होता है, इसको ऊपर कर देंगे ट्राली में डल जाएगा, इसके थ्रू ट्राली में आ जाएगा, अगर बोरी को है बोरी इधर अटैच हो जाएगी। ठीक है सर। इधर से भर जाएगी सीधा। ठीक है सर। जी सर। और सर इसमें ये हुक्की दी गई है, इसके ज़्यादा इसके इनका क्या काम रहता है सर? ट्रैक्टर के कारण ट्रैक्टर का है, जैसे ऊपर करेंगे तो जो पीटो है आसानी से डरेगी, वैसे ट्रैक्टर को हम जब चलाते हैं इसको हुक को ऊपर करना ही पड़ता है। ठीक है सर। जी सर। सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर को, बैक सेट ओके थ्रेशर को, अगर कोई किसान भाई बाहर ले देश लेना चाहे तो क्या हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर इसके बारे में? जी सर, ऑलरेडी हम कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे थ्रेशर जा रहे हैं, ठीक है, रनिंग कंडीशन है, क्वालिटी में माल देते हैं, तो बाहर भी जा रहे हैं, श्रीलंका अदर कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है सर। जी सर। सर एक सवाल और, मैं देख रहा हूँ भी इंडिया में कहीं बहुत ज़्यादा स्टेट में डुप्लीकेसी हो रही है। जी सर। इसके बारे में जानकारी दोगे सर किसान भाइयों को? डुप्लीकेसी ओरिजिनल क्या है, हमारी पहचान क्या है? ओरिजिनल में हमारी पहचान है, ऊपर हमारा स्टिकर लगा हुआ है, हमारा हर एक थ्रेशर में मालवा मलोड का स्टिकर रहता ही है, ठीक है, और दूसरी बात व्हील पर हमारा स्टिकर रहेगा, ठीक है, और जो भी है ओरिजिनल मालवा की पहचान है मालवा मलोड। मालवा मलोड सर। जी सर। ठीक है सर। जी सर, उस एक सवाल और, सब्सिडी की बात करें तो इसके लिए अप्रूवड है सर कंपनी के बारे में? हमारी गवर्नमेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट है उससे हमारी मशीन पास है, ठीक है, वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, ठीक है, तो अगर कोई भी सरकार देती है तो हमारी सब्सिडी के सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, किसान को सब्सिडी मिलेगी जितनी सरकार। पूरे भारत में सर सब्सिडी मिल सकती है ना सर? जी सर। ठीक है सर। हाँ जी सर। सर आप किसान भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है, आप ले दिए एक बार ट्राई करोगे, बहुत अच्छी मशीन क्वालिटी में है, हमारे कई डीलर हैं, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.malwaagroindustry.com। और मैं ये बताना चाहता हूँ, नोट करने वाली बात है, डुप्लीकेसी मालवा जो हमारी कंपनी है उसके ब्रांड के डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अगर हम कह रहे हैं मालवा के आगे पीछे कोई मालवा लगा के बेचेगा वो सब डुप्लीकेट है, ब्रांड तो ब्रांड है, खाली मालवा मलोट की ब्रांड है, बाकी सारा कोई डुप्लीकेट है। ठीक है सर। जी सर। लो जी दोस्तों, जी थे कंपनी के एमडी जिन्होंने हमें मालवा मल्टी क्रॉप बैक सेट टोकरी के बारे में जानकारी दी। दोस्तों अगर मालवा आपकी मालवा का मल्टी क्रॉप बैक सेट टोकरी थ्रेशर लेना चाहते हैं तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इनसे संपर्क कर मल्टी क्रॉप थ्रेशर ले सकते हैं। किसान भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और नई आ रही मशीनों की जानकारी के लिए विश्वकर्मा मतलब यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।